नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। इस समय हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फ्रेजल वर्ब से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 15 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। साथ ही हम लोगों ने बहुत सारे एडिशनल फ्रेजल वर्ब्स को याद किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप जरूर देखिएगा। आज हम लोग 16 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है, He says he is not dash for the job of a doctor. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब होता है सूटेबल होना, उपयुक्त होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो जो है डॉक्टर की जॉब के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कट आउट फॉर ये आप याद रखना, उपयुक्त होना या फिर इंग्लिश में बोले तो सूटेबल होना। कट अप का मतलब क्या होता है? ये किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपसेट है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रेस है, तो हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कट अप का। इसके अलावा कट अप का यूज और भी होता है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए भी कट अप का यूज होता है। कट ऑफ ये कोई, ध्यान रखना, कोई लेवल होगा या कोई टाइम होगा जहां पे आकर कोई चीज रुक जाएगा। तो कट ऑफ आसानी से याद हो जाएगा। कट डाउन का मतलब क्या होगा? कट डाउन का मतलब होता है मिनिमाइज करना, ठीक है, या फिर कर्टेल करना, छोटा करना। तो आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा कट डाउन का मतलब होता है पेड़ को काट के गिरा देने के लिए भी कट डाउन का यूज होता है। और कट आउट का मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसका मतलब होता है उपयुक्त होना यानी सूटेबल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्राइक वॉज डैश आफ्टर नेगोसिएशन। बातचीत के बाद स्ट्राइक को कैंसल्ड कर दिया गया यानी कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। कॉल्ड ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होगा? कैंसल्ड। एक वर्ड और आपको याद करना है, वो है पुट ऑफ। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, स्थगित कर देना। ठीक है, तो दोनों वर्ड आप एक साथ याद रखेंगे। कट ऑफ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। टेक ऑफ का मतलब होता है जब कोई एरोप्लेन या विमान हवा में उड़ान भरता है तो उसको हम बोलते हैं टेक ऑफ। और एक टेक ऑफ का मतलब और भी आपको याद रखना है, वो होता है टू रिमूव। ठीक है, टू रिमूव, ऑलरेडी इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? टू रिकलेक्ट। रिकलेक्ट यानी पुरानी बातों को स्मृति में लाना, उसको हम बोलते हैं कॉल ऑफ। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू डिमांड, कोई चीज की मांग करना यानी कॉल फॉर करना। और कॉल इन का मतलब क्या होगा? कॉल इन का मतलब होगा समन या टू सेंड फॉर, समन या टू सेंड फॉर, बुलावा भेजना। खास करके जब कोर्ट किसी को बुलाती है या गवर्नमेंट किसी को बुलाती है या फिर राजा किसी को बुलाता है, उसको बोला जाता है समन। ठीक है, तो आसानी से याद होगा, कॉल इन का मतलब होता है समन या टू सेंड फॉर। और कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? टू पे अ शॉर्ट विजिट, टू पे अ शॉर्ट विजिट, कहीं पर कुछ समय के लिए जाना, उसको हम बोलते हैं कॉल ऑन। और कॉल एट का मतलब क्या होता है? मान लो आप कहीं जा रहे हो, बीच में कोई आपका रिलेशन है तो आप कुछ समय के लिए वहां पे रुक जाते हो, तो आप एक्चुअली वहां पे कॉल एट किया। ठीक है, तो कॉल एट का मतलब होता है टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम। तो ध्यान रखना, कॉल ऑन का मतलब होता है कहीं पर थोड़ी समय के लिए जाना, और कॉल एट का मतलब क्या होता है? किसी जगह पर कुछ समय के लिए रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। पूछा जा रहा है कॉल इन का मतलब बताइए। तो कॉल इन का मतलब होता है बुलावा भेजना यानी समन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। डिमांड यानी ये तो फिर हो जाएगा कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना। और रिकलेक्ट यानी पुरानी चीजों को याद करने के लिए होगा कॉल अप। ठीक है, और ड्रॉ फोर्थ के लिए हो जाएगा ब्रिंग आउट। ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टूडेज मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड कर दिया गया, यानी अगेन यहाँ पे क्या होगा? कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉल अप का मतलब होता है पुरानी चीजों को याद करना। कॉल इन का मतलब क्या होता है?
तो कॉल इन का मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, टू समन या फिर टू सेंड फॉर। और कॉल आउट का मतलब होगा किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग प्राइजेस विल फोर्स पीपल टू डैश एक्सपेंडिचर। एक्चुअली इस लाइन में बोला जा रहा है कि दाम के बढ़ने की वजह से लोगों ने अपने खर्च को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कट डाउन। कट डाउन का मतलब ध्यान रखना, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, मिनिमाइज करना या कर्टेल करना, कम कर देना। कट अप का मतलब, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसी व्यक्ति को अपसेट करना या डिस्ट्रेस करना होता है। और कट ऑफ कोई ऐसा टाइम या लेबल जिस पर कोई चीज आकर के रुक जाए। और कट अक्रॉस का मतलब होगा टू गो स्ट्रेट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो ये सारे भी वर्ड्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन डैश टू ऑफर हेल्प। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, केम फॉरवर्ड। केम फॉरवर्ड का मतलब होता है मदद के लिए या फिर सहायता के लिए आगे आना, ठीक है। टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके अलावा देखो, कम अक्रॉस या इसके साथ एक वर्ड और आप याद रखेंगे, कम बाई और कम अपॉन। ये तीनों वर्ड का मतलब सेम होता है, कम अक्रॉस, कम बाई और कम अपॉन। इन तीनों का मतलब होता है टू मीट समबडी या फिर टू फाइंड समथिंग बाई चांस। संयोग बस किसी से मिलना या फिर कोई चीज प्राप्त करना, इसको बोला जाता है कम अक्रॉस, कम बाई या फिर कम अपॉन। कम ऑन का मतलब क्या होता है? देखो, कम ऑन का मतलब होता है स्पोर्ट के किसी गेम में कोई एक्ट करना, कोई प्ले करने के लिए भी कम ऑन का यूज होता है। इसके अलावा कम ऑन का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस के लिए भी, ध्यान रखना, कम ऑन का यूज होता है। कम अबाउट का मतलब क्या होगा? कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, कोई चीज घटित होने के लिए यूज होता है कम अबाउट। और कम ऑफ का मतलब क्या होता है? टू टेक प्लेस, कोई चीज घटित जो होती है उसके लिए यूज होता है कम ऑफ। शर्ट का जो बटन बाहर आ जाता है उसके लिए भी कम ऑफ का यूज होता है। तो ये सारे भी वर्ड्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डैश एन एलिफेंट। देखो, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये संभव नहीं है हर व्यक्ति के लिए कि वो एलिफेंट को पाल सके, यानी वो एलिफेंट को अपने साथ रख सके। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कीप अप विद। कीप अप का मतलब होता है कोई चीज कैरी ऑन करना या फिर मेंटेन करना, ठीक है। कोई काम कोई कर रहा है तो उसको लगातार करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट 90% या 90% के ऊपर नंबर लाता है तो उसको बोला जाता है कीप इट अप। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, कीप अप विद में दो लोगों की पैरेलल प्रोग्रेस होने की बात की जाएगी या फिर दो लोगों के एक साथ रहने की बात की जाएगी, और वो कंपल्सन कीप अप में नहीं होता है। कीप इन का मतलब क्या होता है? कीप इन के साथ दो फ्रेजल वर्ब्स और आपको याद करना है, ले अप और ले इन। इन तीनों का मतलब होता है कन्फाइन टू अ सर्टेन प्लेस या फिर कन्फाइन टू हिज या फिर हर बेड। तो ये तीनों फ्रेजल वर्ब्स आप याद रखना है। तीनों का मतलब एक होता है कन्फाइन, और कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार बात करना, हंसना या फिर सोने के लिए हम यूज करते हैं कीप ऑन। कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन लॉफिंग या फिर कीप ऑन स्लीपिंग। और कीप बैक का मतलब क्या होता है? कंसील, कोई चीज छिपाना, कोई चीज हाइड करना, डिस्गाइज करना, इसके लिए यूज होता है कीप बैक। तो ये सारे भी वर्ड्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेजल वर्ब कीप अप विद का मतलब बताना है। तो कीप अप विद का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू डूइंग समथिंग, ये तो फिर हो जाएगा कीप इट अप का मतलब। मीट ईच अदर, ये भी नहीं होगा। स्टे एट द सेम लेवल एज समवन और समथिंग, यस ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा।
कीप अप विद का मतलब होता है दो अलग अलग लोगों या दो अलग अलग चीजों के बीच में समानता दिखाने के लिए कीप अप विद का यूज होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमी डैश आर्म्स, शत्रुओं ने अपने हथियार को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया यानी लेट डाउन कर दिया। ठीक है, लेट डाउन का मतलब होगा सरेंडर, तो आसानी से याद हो जाएगा। और लेट इन का मतलब क्या होता है, लेट इन का मतलब होता है अलाउ समबडी टू एंटर, किसी को एंटर करने के लिए यूज होता है लेट इन। और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ले अप, ले इन और कीप इन, इन तीनों का मतलब होता है कन्फाइन टू बेड। और ले ऑफ का मतलब क्या होता है, ले ऑफ का मतलब होता है फायर्ड या फिर शेक, किसी को नौकरी से निकाल देना। लेकिन ले ऑफ और फायर्ड में थोड़ा सा अंतर होता है। फायर्ड में क्या होता है, इसमें जो इम्प्लॉय होता है उसकी गलती की वजह से इम्प्लॉयर इसको निकालता है। और ले ऑफ में क्या होता है, इसमें एक्चुअली कंपनी को नुकसान हो रहा होता है इसलिए वो कुछ वर्करों को निकाल देता है। लेआउट का मतलब क्या होता है, लेआउट का मतलब होता है टू इन्वेस्ट, ठीक है, टू स्पेंड मनी, खास करके शेयर मार्केट आदमी जो पैसे लगाते हैं उसके लिए यूज होता है लेआउट। और ले बाई और पुट बाई, इन दोनों का मतलब होता है पैसे को बचाना फ्यूचर की आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, टू सेव फॉर फ्यूचर नीड्स, तो ये सारे वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज डैश अ न्यू बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सेटअप। सेटअप का मतलब ही होता है टू स्टार्ट बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सेटअप का यूज होता है। सेट आउट, सेट ऑफ या फिर सेट फोर्थ, ठीक है, ये तीन शब्द आप याद रखना। इन तीनों का मतलब होता है टू स्टार्ट, लेकिन क्या, कोई जर्नी स्टार्ट करना। ठीक है, कोई जर्नी स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट आउट, सेट ऑफ या सेट फोर्थ। सेट इन का मतलब भी टू स्टार्ट करना होता है, लेकिन क्या, कोई सीजन, जब कोई सीजन स्टार्ट होता है तो उसके लिए यूज होता है सेट इन। ठीक है, सेट डाउन का मतलब आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, सेट डाउन का मतलब होता है टू राइट समथिंग डाउन, और इसके लिए मैंने आपको अच्छे से याद कराया था टेक डाउन, पुट डाउन, जोटल डाउन, गेट डाउन, ये सारे भी वर्ड्स आप याद रखेंगे। और सेट डाउन का एक और मतलब होता है किसी को किसी व्हीकल या किसी कार से उतरने के लिए भी सेट डाउन का यूज होता है। और सेट अबाउट का मतलब क्या होता है, देखो सेट अबाउट का मतलब होता है वही जो कीप ऑफ का होता है, और कीप ऑफ का हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है एमिट, उत्सर्जित करना या फिर प्रोड्यूस करना, ये मतलब होता है सेट अबाउट या फिर कीप ऑफ का। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप याद रखेंगे। सेट आउट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सेट आउट, सेट ऑफ, सेट फोर्थ, इन सब का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू एवर सेंड डैश फॉर थिंग्स रादर देन बाइंग देम इन शॉप्स, ये LDGIC 2018 में पूछा गया है। और यहाँ पे देखो आपसे बस इतना पूछा जा रहा है, क्या कभी आप ऑफलाइन शॉपिंग के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सेंड आउट। सेंड आउट का मतलब होता है जब आप फोन या मैसेज के थ्रू कोई शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए यूज होता है सेंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू ब्रदर्स डैश ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फेल आउट। ठीक है, फॉल्स आउट तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लूरल के साथ एस तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी फेल आउट। देखो फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वारल, झगड़ा करना। ठीक है, दो भाई आपस में झगड़ा किए और मान लो ये झगड़ा थोड़ा और आगे बढ़ता है, मारपीट तक आ जाती है, तो उसके लिए यूज होगा फॉल ऑन या फिर फॉल अपॉन। फॉल ऑन या फॉल अपॉन का मतलब होता है टू अटैक। ठीक है, और टू अटैक के लिए एक वर्ड मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था गेट एट। ठीक है, और फॉल ऑफ का मतलब क्या होगा, देखो फॉल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज बद से बदतर हो जाना यानी डिटेरियोरेट। ठीक है, कोई वर्क इफिशियंसी फॉल ऑफ हो रही है यानी और बदतर हो गई है, या फिर डेमिनिस होना।
है, कम हो जाना, जैसे स्कूल अटेंडेंस कम हो जाना, उसके लिए भी फॉल ऑफ का यूज होता है। और फॉल बैक या बैक अवे, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है रिट्रीट, पीछे हटना, या फिर टू गो बैक, पीछे हट जाना, या फिर झुक जाना। याद रखना, फॉल बैक या बैक अवे, इन दोनों का मतलब सेम होता है। और फॉल इन विद का मतलब वही होता है जो कम अक्रॉस या कम अपॉन का होता है, कम अक्रॉस या कम अपॉन का होता है। और इन तीनों का मतलब होता है हैपन मीट, या फिर दूसरे शब्दों में कहें मीट एक्सीडेंटली, संयोग से मिल जाना। तो तीनों शब्द को याद रखना है, फॉल इन विद, कम अक्रॉस और कम अपॉन। और फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है? देखो, फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल होना, यानी टू फेल होना। तो ये सारे वर्ड्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज नॉट एबल टू डैश, वॉट वेंट रॉन्ग। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब हिसाब लगाना या पता लगाना। तो वो जो है क्या गलत हुआ ये पता नहीं लगा सका। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस देख लो, फेल आउट तो हो नहीं सकता, काउंट ऑन भी नहीं हो सकता, फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डैश देयर असाइनमेंट बाय मंडे। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है कोई असाइनमेंट जो सौंपा गया कार्य है किसी ऑथराइज्ड पर्सन को देना, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हैंड आउट का मतलब होता है फूड या मनी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना। हैंड अप का मतलब होता है हाथ ऊपर करना। और हैंड ऑन का मतलब होता है कोई चीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास करना। तो ये सारे वर्ड्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब बताना है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। और एक वर्ड और आपको याद करना है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बहुत ज्यादा किसी को मारना, मार मार के उसका बॉडी को फुला देने के लिए ब्लैक एंड ब्लू का यूज किया जाता है। और ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ही इज ए स्कूल ड्रॉप आउट। ठीक है, ड्रॉप आउट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बिना अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए छोड़ दे, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। याद करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है? हल्की नींद में सोने के लिए ड्रॉप ऑफ का यूज करते हैं, टू फॉल इनटू अ लाइट स्लीप। और ड्रॉप इन और ड्रॉप बाई का मतलब होता है बिना किसी प्लानिंग के किसी व्यक्ति से मिलना या किसी स्थान पर जाने के लिए ड्रॉप इन और ड्रॉप बाई का यूज करते हैं, टू मेक अ इनफॉर्मल विजिट टू अ पर्सन और अ प्लेस। तो देखो, इस तरह से हम लोगों ने सारे फ्रेजल वर्ब्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये टॉपिक थोड़ा टफ है, इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।